नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अपने YouTube चैनल पंखुड़ी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है NTPC से रिलेटेड, अब वो स्टार्ट मैंने कर दिया है और आप इसमें बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप पाएंगे और आप गेन भी करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको डिस्कस करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा। तो आप इस वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए और कोशिश करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करें और खुश रहें और पढ़ें लिखें और आप अपने NTPC में एक जगह बनाएं। तो उसी से रिलेटेड मैंने सोचा आपको आज कुछ अच्छा सा क्लास दी जाए। तो ये जो क्लास है वो हमारी है ऊष्मा से संबंधित। ओके, ऊष्मा से संबंधित है। तो आपको इस वीडियो में ये देखना है कि ऊष्मा होती क्या है और जितने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने सारे इसमें रखे हैं। तो आपको इसमें देखने हैं वो कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और शेयर करना है, लाइक करना है एंड बेल आइकन पर क्लिक करना है। ओके, शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने दिया है गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है। क्यों क्यों होती है? जो गैस तापमापी होती है वो द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, क्यों होती है? तो वही हमें बताना है। तो क्या ऑप्शन पहला है का कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, क्योंकि गैस की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आप गैस करिए। अगर आपको आता होगा तो आपने पक्का आप सोच लिया होगा क्या होगा आंसर। तो नहीं आता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी कि जो क्योंकि जो गैस होती है उसका प्रसार गुणांक क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है? प्रसार गुणांक अधिक होने के कारण क्या होती है, गैस तापमापी द्रव मापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है बाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। जो बाष्प इंजन होता है, बाष्प इंजन देखा होगा आपने, बाष्प इंजन, तो उसमें क्या होता है, जो उबलता हुआ जल का जो तापमान होता है वो किस कारण उच्च होता है, किस कारण ज़्यादा होता है? तो वही इसमें पूछा है। तो ऑप्शन नंबर पहला है जल में विलीन पदार्थ होते हैं क्या, ऑप्शन नंबर बी है बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, ऑप्शन नंबर सी है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, ऑप्शन नंबर डी है अग्नि अत्यधिक उच्च ताप पर होती है। देखिए, जल में विलीन पदार्थ तो होंगे नहीं, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है बी वाला, तो वो है बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता नहीं है, और डी ऑप्शन जो है उसमें लिखा है अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है क्योंकि अग्नि जो होती है वो उसका तापमान ही उच्च होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो ही सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि बॉयलर के अंदर का जो उच्च तापमान होता है, उच्च दाब होता है, वो अधिक होता है। इस वजह से क्या होता है, जो बास का इंजन है उसमें इंजन में जो उबलते हुए जल का जो तापमान होता है वो तापमान बॉयलर के अंदर के उच्च दाब की वजह से ज़्यादा अधिक होता है या उच्च होता है। ओके, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 100 से 100 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन नंबर सी 250 से 500 डिग्री सेल्सियस तक, और ऑप्शन नंबर डी 800 डिग्री सेल्सियस उसे ऊपर। ओके, तो जो विकिरण पायरोमीटर से जो हम ताप मापते हैं वो हमेशा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होता है, कम नहीं होगा, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ओके, क्लियर।
नेक्स्ट है थर्मोकपल ताप युग्मक द्वारा बनाया जाता है। जो थर्मोकपल होता है वो ताप, थर्मोकपल को ही हम ताप युग्मक भी कहते हैं, तो डैश द्वारा बनाया जाता है। तो किसके द्वारा बनाया जाता है? दो धातुओं के द्वारा बनाया जाता है, या दो एक सदृश धातुओं द्वारा, दो असदृश धातुओं द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से कोई नहीं नहीं, इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा हमारा सी, ये दो असदृश धातुओं द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हमारा, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन क्या होता है? इसका ऑप्शन है, पहला ए इकसार रूप से बढ़ती है, इकसार रूप से कम होती है, पहले बढ़ती है और उसके बाद कम होती है, और डी ऑप्शन है, पहले कम होती है उसके बाद बढ़ती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, जब बर्फ़ को हम 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया करते हैं तो क्या होता है, पहले उसका जो तापमान आयतन होता है वो पहले कम होता है, उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद ये होता है कि उसका जो तापमान होता है उसके बाद वो आयतन होता है, फिर उसके बाद बढ़ने लगता है, पहले कम होगा उसके बाद बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और देखिए ऑप्शन इसका बता देता हूँ, डी है नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है, चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन। चालन, संवहन, विकिरण, प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर आप सिंपल सा है, इसका संवहन ही होता है, बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है? देखिए, पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। पारा, पानी, ईथर, बेंजीन। दोस्तों ये जो होता है पानी, ईथर, बेंजीन, इन सबसे ज़्यादा जो पारा होता है इसमें ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है? कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट दोनों तापक्रमों में एक समान होता है? ऑप्शन नंबर है 100 डिग्री, -100 डिग्री, -40 डिग्री। तो क्या होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर डी, -40 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट है, न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप है कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन है आपके सामने, -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 1 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस ही न्यूनतम संभव ताप होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्यों? शीतकाल होता है ग्रीष्म, शीतकाल मीन्स सर्दी और ग्रीष्मकाल मीन्स गर्मी। ओके, शीतकाल में आपने देखा होगा हैंडपंप का पानी जो होता है वो गर्म निकलता है, क्यों निकलता है? अब इसके देखिए ऑप्शन है बहुत अच्छे, शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है नहीं, अतः जल गर्म प्रतीत होता है, ऐसा होता है नहीं, शीतकाल में हमारा जो शरीर होता है वो गर्म होता है और हमें जल की जो जल होता है वो हमें ठंडा ही लगता है जब ऊपर डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, जो पृथ्वी के अंदर तापमान होता है तो जो वायुमंडल होता है
वायुमंडल के तापमान से क्या होता है, अधिक होता है। ऐसा है सही, बाद में देखते हैं ऑप्शन नंबर और देखते हैं, सी ऑप्शन है। पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। ये दोनों ऑप्शन तो मानेंगे ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान होता है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, होता है क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य की जो रोशनी पड़ती है तो वो क्या होती है, उसको एब्जॉर्ब करती है सूर्य की रोशनी धरती को, ठीक है, और वहीं पे उसका वायुमंडल में ज़्यादा तापमान रहता है। फिर उससे जो अंदर जाती है तो क्या होता है, धूप बिल्कुल गर्म हो जाता है। अंदर क्या है, अंदर जैसे ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी क्या होता है, जब फटता है तो उसमें से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है, लावा, ठीक है, जैसे कहते हैं हम, तो वही होता है, अंदर से बहुत गर्म होता है। इस वजह से हेडपम्प का जो पानी होता है वो सर्दियों के टाइम क्या होता, कैसा होता है, गर्म होता है, और गर्मियों के टाइम ठंडा होता है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फॉरेनहाइट में क्या होगा। एक मनुष्य है, ठीक है, उसका जो तापमान होता है वो होता है, इसमें लिखा है कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फॉरेनहाइट में क्या होगा। 60 डिग्री है तो फॉरेनहाइट में उसका 40 होगा, 140, ओके। और सामान्य मनुष्य का तापमान जो होता है वो होता है 98 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, किसी मनुष्य के शरीर का ताप सामान्य तापक्रम होता है तो कितना होता है। देखिए ऐसा ही मैंने बता दिया ना कि सामान्य तापक्रम जो होता है वो 98 फॉरेनहाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर आपके ए में मिल गया, वो 98 फॉरेनहाइट, ओके। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऊष्मा से थे। अब आपको नेक्स्ट क्लास में आपको अलग से एक चैप्टर या एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दिए जाएंगे, वही हैं जो इसमें पूछे गए, आपने देख लिए हैं ना कि ये लास्ट के जैसे है RRB 2004 का और RRB 2002 का, ओके।